Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So now it's 9 9.41 and today is 15th of May Monday. And I have my vlog start kar because now I'm starting my preparation for NEET 2024. एंड अब कितने टाइम तक बेड पे लेटे रहेंगे कितने टाइम तक प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे अब आई गेस जितना रेस्ट लेना था ले लिया एंड अभी अगर तुम भी नीट ट्वेंटी तो ट्वेंटी फोर की प्रपेशन करने वाले हो तो यार अब आई गेस पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो सारा कॉन्टेंट पढ़ रखा है वो भी हम भूलने लगेंगे अगर ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लेंगे एंड मैं अपना बताऊँ तो मेरे से तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है लाइक like, ऐसा हो रहा था ना कि क्या ही करूँ कुछ है ही नहीं करने का और क्या गल लूँ और कितना प्रोकेस्टिट कर लूँ और कितने यूट्यूब वीडियोज़ देख लूँ तो मैंने तो वही डिसाइड किया कि अब अपनी ट्वेंटी फ़ोर की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दूँ एंड कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ होगी क्योंकि मैं फ़ोन से ब्लॉग कर रही हूँ मेरे कैमरा की बैटरीज ख़राब हो गई मैंने ऑर्डर कर दिया है दो दिन में आ जाएंगे उसके बाद मस्त ब्लॉगिंग करेंगे अभी थोड़ा सा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा इस सॉरी सो अभी मैं देख रही थी वैसे तो तो मैं बताती हूँ अब मैं कैसे कैसे अपनी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड पी डब्ल्यू ने भी लॉन्च कर दिया है अपना इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉप बैच वेस यकीन बात यकीन टू पॉइंट ऑफ स्टार्ट हो रहा है एटीन ऑफ मे से सो so, इस बैच में क्लासेस एटीन ऑफ मे से स्टार्ट हो रही हैं एंड इसका प्राइस वैसे फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ है पर अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लेते हो विच इज़ एम टी वन फाइव ज़ीरो तो आपको एक्स्ट्रा वन फिफ्टी रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे सो so, इस बैच में आपको टू सेट्स ऑफ टीचर मिल जाएंगे टीम अल्फा और टीम लेजेंड एक वीक में सिक्स डेज आपकी क्लासेज होंगी और एवरी डे आपकी थ्री क्लासेज होंगी जो टू टू आवर्स की होंगी और हर क्लास के साथ आपको एक डीपीपी शीट मिलेगी इज़ द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट जो आपको अपनी क्लास के बाद सॉल्व करना होगा एंड अगर वो तुमसे खुद से सॉल्व नहीं भी होते तो तुम उनके वीडियो सोलूशन भी देख सकते हो और आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज जो कि आपके हर संडे टेस्ट होंगे एंड साथ ही आपको रिविजन के लिए मिलेंगे शॉर्ट नोट्स माइंड मैप्स फॉर्मूला शीट्स और हर चैप्टर के बाद आपको एक एनसीआर डिस्कशन और पी की भी क्लास मिलेगी एंड सबसे स्पेशल बात आपको एक बैच खरीदने में टोटल पांच बैचेस मिल रहे होंगे लास्ट का का यकीन यकीन इस साल का यकीन और जो तुम बैच खरीदोगे यकीन तो हो गए ना पांच बैचेस और इन्हीं सब के साथ तुम्हें मिलेगा स्टूडेंट्स डैशबोर्ड टेस्ट एनालिसिस और बाय थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स। सो अगर बैच लेने का सोच रहे हो तो मेरा करना, मत भूलना मेरे पास जो तो मेरा लास्ट ईयर का यकीन बैच मैंने ज्वाइन किया था उसका सब्सक्रिप्शन मेरे पास थर्टीथ ऑफ सेप्टेबर तक रहेगा सो so, लाइक like, थर्टीथ सेप्टेम्बर मतलब ऑलमोस्ट फोर मंथ्स है मेरे पास सो so, ऑलरेडी मैंने ऐसा प्लान आउट किया है कि अगर uh, मैं अपना सिलेबस पहले तो मैं अपने, कौन कौन टीचर्स यूज़ कर रही हूँ अगर मैं वो बताऊँ तो मैं अलग पांडे सर के uh, नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले लेक्चर्स देखूँगी यकीन बात के ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाला जो यकीन बात था उसके लेक्चर्स अपने अलग पांडे सर के एंड नेक्स्ट फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के यार सर्वेश सर के लेक्चर्स देखूँगी पर जानते हो मैं क्या चीज़ देख रही थी लाइक like, हर बार यकीन बैच में पता नहीं कि वो ऐसे करते हैं लाइक like, अगर एग्ज़ाम जुलाई में थे तो भी ये सिलेबस लाइक like, अगर हमारे लास्ट एग्ज़ाम जुलाई में थे तो अगस्त के अराउंड बैच स्टार्ट हुआ तो भी सिलेबस मार्च में खत्म हुआ एग्ज़ाम सेप्टेम्बर में थे उसके बाद बैच स्टार्ट हुआ तो भी सिलेबस मार्च में कम्प्लीट हुआ तो मेरा था ये था कि एटलीस्ट जैसे अब इस बार अगर सिक्स सेवंथ एट मंथ में सिलेबस कम्प्लीट कराए तो इस साल भी वैसे ही कम्प्लीट कराते अब इस बार बैच अप्रैल में स्टार्ट होगा लेकिन सिलेबस तब भी मार्च में खत्म होगा सो so, अब उसका क्या है मैं क्या बताऊँ पर अब मैं क्या करने वाली हूँ ना जैसे कि जब यकीन फर्स्ट वाला आया था अलग पांडे सर वाला तो उसने सिलेबस कम टाइम में कम्प्लीट कराया था पर कॉन्टेंट तो उतना ही था तो मैं अलग पांडे सर के लेक्चर्स मैंने कैलकुलेट किए अराउंड सिक्स पॉइंट फाइव मंथ्स अगर मैं रोज़ एक फिजिक्स का लेक्चर देखूँ तो मुझे सिक्स पॉइंट फाइव मंथ्स लगेंगे पूरा फिजिक्स का सिलेबस कम्प्लीट करने में सो so, मैं ऐसे करूँगी कि तो मैंने सर से शेयर किया लाइक मैंने पीसी पॉइंट की मेंटरशिप भी ज्वाइन करिए ऑब्वियसली मुझे इतना बेनिफिट हुआ था मैंने तुमको अपना पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया था अपने नीट ट्वेंटी थ्री जर्नी वाले ब्लॉग में अगर उसे नहीं देखा तो एक बार जाके देखना मैंने अपने मैंटो से शेयर किया कि सर लाइक मैं सोच रही हूँ ज्वाइन करने का तो सर ने मुझे बताया क्या देखो जैसे कि मैंने तुमको अपने वही नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जर्नी वाले वीडियो में बताया था कि यू नो एक बार एम सर ने बताया हमें कि जैसे अगर तुम किसी रेस में हो एंड वो रेस हंड्रेड मीटर्स की है तुम फिफ्टी मीटर्स रन कर चुके हो हैं एंड किसी दिक्कत की वजह से तुम रुक गए फिफ्टी मीटर्स में तो क्या तुम फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली नहीं जब तुम पचास मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुके हो तो अपनी पचास मीटर की डिस्टेंस कवर करोगे है ना तो वही हमारे प्रिपेशन में भी आ जाता है कि अगर तुम लाइक नाइन्टी एट चैप्टर्स से तुमने कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ चैप्टर्स कवर कर लिए हैं तो तुम फिर से ज़ीरो से क्यों स्टार्ट करने लग जाते हो हम फिर से न्यू बैच लेके बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने लग जाते हैं एंड वहीं पे हम गलत कर देते हैं चीज़ें अगर तुम एक ड्रॉपर हो अपना सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट कर चुके हो सिक्सटी सेवेंटी परसेंट कम्प्लीट किया था तो अपनी एक लिस्ट बनाओ कौन कौन से कवर हो गए हैं कौन कौन से नहीं हुए एंड वहाँ से कवर करना स्टार्ट करो इसलिए सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम ड्रॉपर हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि तुम एक नया बैच परचेज करो चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट करो एंड हम मैं एज अ ड्रॉपर पिछले दो अटैम्प से यही गलतियाँ कर रही थी हर बार एक नया बैच लेते फिर उसको प्रिपेयर करते फिर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आती पर उसके लेक्चर में तब भी देखती तब भी उसके नोट्स बनाती है वहीं पर चीज़ें गलत हो जाती हैं तो यहीं भी मैंने सर से शेयर किया तो सर ने यही बताया कि लाइक मेरे अपने चैप्टर्स की लिस्टिंग बनाओ तो कौन से वीक है कौन से स्ट्रॉन्गे है तो मैंने सर से शेयर किया कि सर लाइक मैंने अपनी जर्नी में जब शेयर किया तो लाइक मैंने अपना सिलेबस लास्ट के दो तीन महीने में ही क्रैश कोर्स से देख के कम्प्लीट किया था मैंने किसी भी चैप्टर के लाइक चार पाँच चैप्टर्स मैंने यकीन बात से कवर किए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में एंड उसके बाद सब मैंने क्रैश कोर्स से कवर किए थे तो तो मैंने क्या एनालाइज़ किया कि मेरे कोई एज इन चैप्टर्स वीक नहीं थे लाइक एक दो चैप्टर्स वीक होंगे लाइक रोटेशन फिजिक्स में या ऐसे कुछ दो चार चैप्टर्स है तो वो वीक थे पर हर चैप्टर में मेरे हर चैप्टर के टॉपिक्स नहीं क्लियर थे क्योंकि मैंने सब चीज़ें क्रैश कोर्स से कवर की थी तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं हर टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ तो सर ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं एक बार ना तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री को अपना डिटेल में ले जाओ पर ऐसे डिटेल में ले जाओ कि तुम्हारा सिलेबस नवंबर के अराउंड तक खत्म हो जाए सो so, मैं देख रही थी लाइक लास्ट ईयर अलग पांडे सर के लेक्चर्स लास्ट ईयर नहीं नीट 2021 में जब यकीन बैच लॉन्च हुआ था यकीन 21 तो उसके जो अलग सर के लेक्चर्स हैं उसको मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं डेली वन लेक्चर देखूँ तो मैं आराम से सिक्स मंथ्स में पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकती हूँ फिजिक्स का एंड सेम मैं चाह रही थी केमिस्ट्री के लिए भी तो केमिस्ट्री के लिए मैंने देखा कि लाइक जब येटीन थ्री पॉइंट टू लॉन्च हुआ था और अयोध सर आए थे अयोध सर ने भी ऐसे अपना सिलेबस केमिस्ट्री का बहुत सही पढ़ा रहे थे तो उन्होंने भी फिजिकल बहुत अच्छी पढ़ाई थी तो मैं भी मतलब अभी केमिस्ट्री का तो इतना कैलकुलेशन नहीं किया बट केमिस्ट्री में भी ऐसे ही लेकर जाऊँगी सो पहले फिजिकल खत्म कर रही हूँ तो मैं क्या बताना चाहती थी कि मैंने कोई बैच नहीं लिया है रिकॉर्डेड uh, लेक्चर्स मेरे पास लास्ट ईयर मैंने जब यकीन बात लिया तो उसके साथ मैंने ख़ज़ाना भी बाई किया था तो खज़ाना और वो यकीन बात मेरे पास तीस सितंबर तक है तो जब तक मैं उसी से पढ़ती ही रहूँगी फिर बीच में एज इन कोई ऑफर वगैरह आएगा तो मैं अपना रिन्यू करा लूँगी कोई किसी बात के साथ फिर से खजाना ले लूँगी ऐसे कुछ कर लूँगी मतलब तो अभी तो इतनी टेंशन नहीं है तो तीस सितंबर तक मैं यही सब फॉलो कर रही हूँ मतलब आगे भी यही फॉलो करूँगी तो आई होप तुम्हो भी क्लियर हो गया तो इससे क्या हो रहा है ना मेरा नवंबर के अराउंड तक फिजिक्स खत्म हो जाएगा और अपना लाइक like फिज़िक्स में प्रॉपर संडे संडे गैप लूँगी और हर महीने अगर मैं फ़ाइव डेज भी अगर छुट्टी मारूँ उसके बाद भी मेरा फिज़िक्स आराम से सिक्स पॉइंट फाइव मंथ्स में खत्म हो रहा है एन ऐसी केमस्ट्री खत्म हो रहा है तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने मेंटोर से शेयर करी तो सर ने मुझे एक प्रॉपर स्केड्यूल दे दिया उसमें मैं क्या हूं? मैं दो दो कर रही हूँ मैं रोज़ डेली दो चैप्टर दो सब्जेक्ट लेकर जाऊँगी लाइक सर ने कहा कि अभी अभी हमारा फ्लो टूटा है इन सब चीज़ों से अभी अभी हमने मॉकटस वॉक्टस देना खत्म किया है तो धीरे धीरे लेकर जाओ लाइक अभी स्टडी आवर्स बिल्कुल अभी फोटीन आवर्स फिफ्टीन आर्स पढ़ते पढ़ते एकदम एग्जॉस्ट हो गए थे तो अब धीरे धीरे लेकर जाओ तो धीरे धीरे डेली दो सब्जेक्ट करेंगे डेली एक तो बायो और एक फिजिक्स एक दिन के फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री जैसे आज मैं फिजिक्स बेसिक मैथ से स्टार्ट करूंगी एंड फिर केल केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी फिर ऐसे ही एक दिन फिजिक्स बायो एक दिन केमिस्ट्री बायो ऐसे करते करते अभी कुछ दिन चलेंगे इनिशियल फर्स्ट मंथ ऐसे ही लेकर जाएंगे फिर जून से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पकड़ेंगे लाइक धीरे धीरे अपने स्टडी आर्स बढ़ाएंगे लाइक कल मुझे कमेंट भी आया था किसी का कि दीदी -दी मेरे स्टडी आर्स बिल्कुल चले गए हैं एंड टेंथ के बाद से मैं बिल्कुल चिल हो गया चलोग पढ़ाई कैसे स्टार्ट करूँ तो बेसिक चीज़ यही होती है कि तुम डेली अपने धीरे धीरे स्टडी आर्स बढ़ाओ आज दो घंटा पढ़ो कल चार घंटा पढ़ो अब अगर तुम तो एक ड्रॉपर नीट एस्पायरेंट हो तो ऑब्वियसली जैसे आज आठ घंटा पढ़ लिया कल पढ़ दस पढ़ा बारह पढ़ा ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज किया अपने स्टडी आवर्स सो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ आज मुझे देखने है बेसिक मैथ्स के दो लेक्चर और बायो की फा, फास्ट रीडिंग में हम डेली लाइक टेन डेज में अपनी पूरी बायो एक बार खत्म कर देते हैं तो डेली फोर चैप्टर्स पढ़ने होते हैं फोर चैप्टर्स भी सर ने लाइक हमें एक सीरियल दे रखा है पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर से ऐसे स्टार्ट होता है तो आज चैप्ट में मेरे पास मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और ह्यूमन रिप्रोडक्शन सो मेनली चैप्टर थ्री फोर फाइव सिक्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ तो इन्हें हम फास्ट रीडिंग के थ्रू करेंगे और सर ने मुझे कहा लाइक मेरी ये तो तुम हमारे फास्ट रीडिंग के थ्रू रिवाइज होते रहेंगे चैप्टर्स और डेली बेसिस पे एक चैप्टर को अपने डिटेल में लेकर जाओ और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जैसे मैं मेमोनेट टाइप लाइन बाई लाइन क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर दूँ तुम्हारे पास कोई बुक हो या जो भी हो तो मुझसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो मैं अपना एक अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैं डिटेल में लेकर जाऊँगी आज सो so, ये कुछ है मेरा पूरा रूटीन एंड ऐसे ही कुछ मैं अपना ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की प्रिपरेशन करने वाली हूँ एंड तुम तुमको भी यही सजेस्ट करूँगी अगर तुम ड्रॉपर हो अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हो जैसे ना यार एक मुझे ये भी एक बहुत मिथ लगता था लाइक मुझे हर बार अभी तक मैं अपना सिलेबस नहीं कम्प्लीट कर पाई थी लाइक नी ट्वेंटी थ्री वॉज तो माई फर्स्ट अटैम्प्ट जिसमें मैंने अपना सिलेबस प्रॉपर कम्प्लीट किया लाइक तुम अब पूछ रहे थे तो ये मेरा सेकंड ड्रॉप था है ना मतलब फर्स्ट अटैम्प तो मैंने ट्वेल्थ के साथ बिना किसी प्रिपरेशन के दिया था फिर मैंने दो ड्रॉप प्रॉपर्ली जिनमें मैंने प्रिपरेशन करी थी तो जब मैंने प्रिपरेशन करी दो ड्रॉप्स में तो मेरा लाइक like, जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था उसमें मेरा सिलेबस ही नहीं कम्प्पल हो पाया था तो सेकंड ड्रॉप जो मेरा अभी ट्वेंटी तो ट्वेंटी थ्री वाला अटैम था ये मेरा फर्स्ट था जब मेरा सिलेबस कम्प्ली हो पाया तो इससे पहले तक तो मुझे ऐसा लगता था कि सिलेबस नहीं कंप्लीट होना मतलब सिलेबस कंप्लीस इज द मेन की फॉर यू नो स्कोरिंग सिक्स हंड्रेड एंड अबव फॉर द सिलेक्शन बट जब इस बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद भी मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आया कि मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मुझे रियलाइज हुआ कि सिलेबस कंप्लीशन मेन की नहीं होता है मेन की होता है कि तुम जितना तुमने पढ़ लिया उससे उसका आउटकम कैसे निकाल पा रहे हो तुमने चीज़ें पढ़ तो ली क्या पर उस ज्ञान को तुम अप्लाई कर पा रहे हो वो मेन चीज़ हो जाती है तो आई गेस सारी चीज़ें लर्न हो जाना इज़ नॉट द की तुम उस पर दबा के तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो मॉक टेस्ट दिया हो तब जाके वो सारा आउटकम उभर के निकल कर आता है तो इस साल मैं इन सब चीज़ों पर फोकस करूँगी तो यार इस बार बेस्ट एडवांटेज ये है कि हमारे पास बारह महीने मिल रहे हैं आज तक मुझे अटैम्प्स में ये भी नहीं मिला मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प सेप्टेम्बर में दिया सेकेंड अटैम्प जुलाई में दिया अपना थर्ड अटैम्प्ट मे में दिया तो कभी मुझे ट्वेल्थ मंथ्स की प्रिपरेशन भी नहीं मिली अब ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा जिसमें मैं बारह महीने प्रिपेयर कर पाऊंगी पर उसके साथ कॉलेज भी मैनेज करना होगा और एक और चीज़ मैंने तुम्हों को नहीं बताया लाइक जो हमारे मैंटौर हैं वही मुझे बता रहे थे आ, मैंने बताया कि सर स्पेशल ड्रॉप लेने वाली हूँ तो सर ने मुझे बताया कि अब तुमको बताया तुम्हारी ये जो काउंसलिंग वगैरह है ये एडमिशन प्रोसेस होते होते अराउंड अक्टूबर नवंबर हो जाएगा मतलब ये दिवाली के टाइम के अराउंड या और अगर गया तो नवंबर के अराउंड तक तुम्हारे एडमिशनस होंगे मैंने कहा अच्छा सर तो मतलब ये कि अगर तुम ऐसा टारगेट लेके चल रहे हो कि सिक्स मंथ में तुम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो तो आराम से कॉलेज जाने से पहले पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा एंड फिर सर यही बता रहे थे उसके बाद जब तुम कॉलेज चली जाओगी तो तुम्हें बस मॉक टेस्ट रिवीजन मॉक टेस्ट रिवीजन करना होगा तो मतलब चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हो जाएंगी कि मतलब अगर तुम पार्शियल ड्रॉप भी ले रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे तो दिस वॉज ऑल अबाउट टू डेज ब्लॉग आई होप यू एन्जॉयड अब आई एम गेटिंग बैक टू माई नॉर्मल रूटीन एंड तुमको को डेली मस्त ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे जैसे हमारे पहले आया करते थे एंड या तुमको कॉमेंट सेक्शन में बताना तुम क्या कर रहे हो पढ़ाई स्टार्ट करी कि नहीं करी एंड सो या मीज इन द नेक्स्ट व्लॉग गुड बाय एंड वीडियो के लास्ट तक रहे थे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग